हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एमपीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका डिस्कशन में हमने कल किया था कि हमारा क्या शेड्यूल रहेगा। तो मैं आज हमारा पेपर फर्स्ट का है, तो मैं भारत और विश्व भूगोल से स्टार्ट कर रही हूँ। एक और बात फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है मेरे पास कि अभी जब हमारा प्री में नहीं हो रहा है मैम, तो हम लोग अगले प्री की तैयारी करें। तो मैं आपको बस यही बोलूँगी कि आप लोग अगस्त तक, जितना भी अगस्त है, आप अगस्त में मेंस ही पढ़िए। क्योंकि मेंस पढ़ने से क्या होता है कि हमको डिटेल में पढ़ते हैं, तो हमको कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है जब हम ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। सेकेंडली बात, जब भी हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अब हमें मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अब हमें प्री निकालना ही है। नहीं तो आप वन डे एग्ज़ाम की तरह एमबीपीएससी प्री को ले लेते हैं। तो मेंस की तैयारी करना एक बहुत बड़ा कदम है अगर आपको एक अधिकारी बनना है। नहीं तो आप केवल एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए ही एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप मेंस नहीं करेंगे। आपको बस ये है कि हमें कैसे भी पाना है। तो वो अभी वन डे एग्ज़ाम बहुत सारे आने वाले हैं, सेप्टेम्बर अक्टूबर में एमपी पुलिस का भी आना है, और बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो कैलेंडर में नहीं दी हैं लेकिन आना है, तो वो भी आना है फरवरी मार्च में, वो भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। लेकिन अभी आपका फोकस होना चाहिए मेंस के लिए। तो जिन लोगों का भी प्री अभी नहीं हो रहा है, वो मेंस की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इस बार जो वैकेंसीज आएंगी वो अच्छी खासी वैकेंसी आना है, और रोस्टर के हिसाब से कट ऑफ जारी होगा। तो वही आपका, आपको अपने अकॉर्डिंग ये कोशिश करना है कि आप 75 से 80 क्वेश्चन आप प्री में करके आ पाओ। तो इसके लिए पहले ज़रूरी है आप मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जब आएगा ना, तो जब आपका अगर प्री निकल जाता है तो मेंस के लिए बहुत कम समय मिलता है। कम से कम आप अपना एक सब्जेक्ट निपटा कर बैठ ही जाइए। और मेरे वीडियोस ये चालू, आप 2021 के मेंस की तैयारी कर रहे हैं, 2020 के मेंस की कर रहे हैं, या 2022 के मेंस की कर रहे हैं, ये बहुत ही बेहतरीन से सीरीज़ है। आप लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, आपने बोला है कि हाँ, आप लोग जो मैंने आपको बोला था कि अगर आप चाहते हैं, तो आप सभी लोगों ने कमेंट किया है। तो इसके लिए मैं ये सीरीज़ लेके आई। अभी मेरा ये मेंस का आ गया रात के समय में, शाम के समय में मैं प्री का भी वीडियो लेके आऊँगी। और एक और मैंने मध्य प्रदेश क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें हम मध्य प्रदेश आरंभ से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत और विश्व भूगोल पढ़ने वाले हैं। पेपर फर्स्ट के पार्ट वी जो है, उसका टॉपिक है ये, यूनिट फर्स्ट है पेपर फर्स्ट की। 3, 5, 11 नंबर के प्रश्न रहेंगे, और जिससे मैं इसमें पढ़ा रही हूँ वो मेरी जो नोट्स हैं भारत और विश्व भूगोल के, उसमें से मैं ये पढ़ा रही हूँ। अलग से मैं कोई नहीं कर रही हूँ। जो मेरे नोट्स के पेजेस रहते हैं, उन पेजेस से मैं लेकर वीडियो बना देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम सीरीज़ का ये कौन सा भाग रहेगा? M1 है। एम सीरीज़ के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है एम सीरीज़ नाम से। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो लगता है कि हाँ, अब मुझे वीडियो बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये जो आप ये फ्रंट पेज देख रहे हैं, ये एमपीपीएससी मेंस के जो मेरा नोट्स हैं, नोट्स तैयार कराए जाते हैं, जो नोट्स आप लोगों को दिए जाते हैं, उसका फ्रंट पेज है। और इस तरह से जो हमारा पेपर फर्स्ट का पार्ट बी रहेगा, उसमें ये सभी टॉपिक रहेंगे विश्व भूगोल के, ये प्रमुख भौतिक लक्षण, पर्वत, पठार, मैदान, प्रमुख भौगोलिक घटनाएं, विश्व की जलवायु। इसी प्रकार भारत के भूगोल का जो सिलेबस वाइज है, ये सभी टॉपिक इस नोट्स में रहेंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा जो फर्स्ट डे रहेगा, वो हम पढ़ने वाले हैं पर्वत और पठार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, पर्वत क्या है? निर्माण प्रक्रिया के आधार पर इसका वर्गीकरण करो। देखो, ये आपको 5 नंबर में भी आ सकता है, 11 नंबर में भी आ सकता है। मैं बहुत पास लिखती हूँ। अगर आप इसको आंसर को लिखेंगे तो आपका 1.5 से 2 पेज में, जो एग्ज़ाम कॉपी होती है उसमें 1.5 से 2 पेज में बनाएगा। और ये 11 नंबर का आपका प्रश्न रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? 11 नंबर का आपका ये प्रश्न रहेगा। तो देखते हैं पर्वत क्या होते हैं। तो पर्वत पृथ्वी की सतह पर स्थित उच्चावच होते हैं। पृथ्वी की सतह, ये पृथ्वी की सतह है, इस पर उच्चावच होते हैं, मतलब ऊंचाई पे स्थित होते हैं, जिसका ढाल तीव्र व संकुचित होता है। ये ध्यान रखिएगा, पर्वत क्या होते हैं? पर्वत पृथ्वी की सतह पर स्थित उच्चावच होते हैं। क्या होते हैं पर्वत? पृथ्वी की सतह पर स्थित उच्चावच होते हैं, जिसका ढाल कैसा होता है? तीव्र और संकुचित होता है। ये जो टॉप क्वेश्चन है, कुछ आपके प्री में भी हेल्प करेंगे जब भी कोई क्वेश्चन आ जाता है। किसी भी पर्वत की चोटी को पर्वत का शिखर कहते हैं। एक ही कालक्रम के एक सक्रिय पेटी में विस्तृत पर्वत और पहाड़ियों का क्रम पर्वत श्रेणी कहलाता है। मतलब एक ही कालक्रम में और सक्रिय पेटी में विस्तृत पर्वत और पहाड़ियों का जो क्रम होता है, वो क्या कहलाता है? पर्वत श्रेणी कहलाता है।
जब ये कई युगों में बन जाती हैं पर्वत पहाड़ियाँ, तो ये पर्वत समूह बनाती हैं। तो किसी भी पर्वत की चोटी को क्या बोलते हैं? पर्वत शिखर कहते हैं। और एक ही समय में सक्रिय पेटी में विस्तृत पर्वत और पहाड़ियों का जो क्रम होता है वो पर्वत श्रेणी कहलाता है, जबकि कई युगों में जो पर्वत और पहाड़ियाँ बनती हैं वो पर्वत समूह बनाती हैं। अब हम इनकी निर्माण प्रक्रिया क्या है पढ़ेंगे। अभी हमने इसका पर्वत कर, अगर आपसे यह जाए पर्वत क्या है समझाओ, पाँच नंबर में आ जाए, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं कि पर्वत क्या होता है। पर्वत पृथ्वी की सतह पर स्थित उच्चावच होते हैं। ढाल कैसा होता है? तीव्र व संकुचित होता है। किसी भी पर्वत के ऊपर की जो चोटी होती है उसको पर्वत शिखर बोलते हैं। एक ही कालक्रम के और सक्रिय पेटी में विस्तृत पर्वत और पहाड़ियों का क्रम पर्वत श्रेणी कहलाता है, जबकि कई युगों में निर्मित पर्वत व पहाड़ियां पर्वत समूह बनाती हैं। ये तीन मार्क मैंने इसलिए लिखा है कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि पर्वत समूह कैसे कहते हैं। तो आप वन लाइन में क्या आंसर दे सकते हैं कि कई युगों में निर्मित पर्वत और पहाड़ियाँ क्या बनाती हैं? पर्वत समूह बनाती हैं। इसके अलावा आप ये आपसे पूछे पर्वत शिखर किसे कहते हैं अगर तीन नंबर में, तो किसी भी पर्वत की चोटी को, चोटी के जो ऊपरी शिखर होता है उसको पर्वत का शिखर बोलते हैं। ऊपरी जो चोटी होती है पर्वत की वो पर्वत शिखर कहलाती है। अब हम देखते हैं पर्वत निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर इसके कितने वर्गीकरण होते हैं। आपको इसका वर्गीकरण बताना है। तो संपीड़न मतलब होता है कि कोई भी चीज़ चटक जाती है तो एकदम संकुचित हो जाती है। जैसे कोई चीज़ है, ये गोल है, अब इसमें संपीड़न हुआ तो ये चटक जाएगी और ये कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। ये चीज़ इस प्रकार से हो रही मतलब संपीड़ित हो रही है, संकुचित हो रही है, छोटी हो रही है। तो पर्वत निर्माण प्रक्रिया के आधार पर क्या क्या बनते हैं? संपीड़न शक्ति के कारण पर्वत निर्माण होता है। कोई भी चट्टान है, चट्टान अपनी जगह से टूट रही है, एक जगह पे इकट्ठी होती गई तो वो पर्वत का रूप ले लेती है। ऐसे किसी भी धरती की किसी चट्टान में, धरती में एकदम शक्ति हुई, तनाव हुआ तो ज्वालामुखी के रूप में उभरा, और ज्वालामुखी एक जगह पे बहुत सारा इकट्ठा हो गया तो वो क्या कहलाएगा? वो भी पर्वत निर्माण। इसी प्रकार तनाव के कारण भी पर्वत निर्माण होता है, ज्वालामुखी के कारण पर्वत का निर्माण होता है, अपरदन और अपक्षय क्रियाओं के प्रभाव के कारण भी पर्वत निर्माण की क्रिया होती है। जो पर्वत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक मौलिक पर्वत होते हैं जो नॉर्मली बढ़ जाते हैं, और एक होते हैं अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट पर ये मौलिक पर्वत विवर्तनिक क्रियाओं के कारण बढ़ते हैं। आगे आने वाले जो क्वेश्चन पढ़ेंगे आप आगे आने वाले दिनों में, तब आप पढ़ेंगे कि मौलिक पर्वत क्या होता है, विवर्तनिक पर्वत क्या होते हैं। तो अपशिष्ट पर्वत क्या होते हैं? उदाहरण जैसे कि अरावली है, अपशिष्टों से बनते हैं। राजमहल की पहाड़ियां हैं, नीलगिरी है, सतपुड़ा है, पश्चिमी घाट है। आपसे पूछें कि सबसे पुरानी पहाड़ियां कौन सी हैं भारत और विश्व की, तो वो है अरावली। इसके बाद है मौलिक पर्वत विवर्तनिक में कौन कौन से होंगे। एक तो वलित पर्वत होगा, वलित पर्वत जो कि संपीड़न द्वारा बनता है। ब्लॉक पर्वत कौन से होंगे जो तनाव शक्ति के द्वारा बनते हैं। गुंबदाकार पर्वत कौन से होते हैं जो गुंबद के आकार के होते हैं। इस प्रकार की ये ज्वालामुखी क्रिया मतलब ज्वालामुखी है, जैसे कि कोई धरती है, धरती की ये यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है। अब यह हो रहा है तो यहाँ पे उद्गार गिर गया तो इस तरह से यहाँ पे एक इस प्रकार से एक पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो ये पर्वत जो इस प्रकार के जो पर्वत होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? वो ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं। संग्रहित पर्वत वही ज्वालामुखी से निकलने वाले पर्वतों के द्वारा जो बनते हैं वो संग्रहित पर्वत कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या अपना पर्वत क्या है, पर्वत की हमने परिभाषा पढ़ी, पर्वत शिखर किसे कहते हैं, पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं, और उनका समूह क्या कहलाता है। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। अगर आप भारत और विश्व भूगोल की मतलब पेपर फर्स्ट के पार्ट वी के यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड के टॉपिक का नोट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी का चार्ज 400 रुपये है, और इसकी हार्ड कॉपी, इसके जो भी हार्ड कॉपी रहती है उसका डबल, जो भी चार्ज होता है उसका डबल चार्ज उसकी हार्ड कॉपी का हो जाता है। तो अगर आप भारत और विश्व भूगोल मंगाना चाहते हैं, हमारे कोई भी नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं, पर्टिकुलर आप पूरे सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते हैं, सॉफ्ट कॉपी में कोई एक पेपर लेना चाहते हैं, तो आपको पेपर वाइज या सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाएगा, तो आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के पर्वतों को चित्र सहित समझाओ। ये आपको 11 नंबर में आ सकता है, और आपको 3 नंबर में भी आ सकता है। 3 नंबर में कैसे आ सकता है?
कि आपसे पूछेंगे कि वलित पर्वत क्या होता है, आपसे पूछ देंगे अवरोधी पर्वत क्या होता है। तो इस प्रकार से 3 नंबर में भी आ सकता है, 11 नंबर में भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में भी आ सकता है। मेरे जो नोट्स हैं इसी प्रकार से कवर किए गए हैं कि आप उनको 3 नंबर में भी किस प्रकार लिख सकते हैं, 5 नंबर में किस प्रकार ले सकते हैं, 11 नंबर में किस प्रकार। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है, मेहनत नहीं करनी है आपको, बस आपको जो दिया है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। आप नोट्स नहीं ले सकते, मैं वीडियो में भी करवा रही हूँ इसलिए कि जो लोग नहीं ले सकते वो वीडियो में भी पढ़ लें। शाम को मध्य प्रदेश का वीडियो आने वाला है, उसको ज़रूर देखिएगा। वलित पर्वत क्या होते हैं? जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा वलन पड़ जाते हैं। कोई एक चट्टान है, ये पृथ्वी, अब चट्टान रखी है अगर धरती पर तो मतलब वो पृथ्वी पर ही रखी है। अब पृथ्वी की आंतरिक चट्टानों में शक्ति उत्पन्न हो गई है, कुछ एकदम दबाव पड़ रहा है, दबाव के कारण क्या होता है, इसमें वलन पड़ जाते हैं, मतलब ये थोड़े से चटक जाते हैं, चटकने के कारण वह मोड़ हो जाती है। जैसे कि आप कोई चीज़ देखेंगे, आपके कोई बोतल है या आपके पास कोई चीज़ है, उसमें एकदम से दरार पड़ जाती, तो आप देखिए जहाँ से दरार पड़ती है वहाँ से वो चटक जाता है, उसको ही हम बोलते हैं वलन। ये मोड़दार पर्वत, और वो दूसरे शेप में आ जाते हैं चटक के, कोई डिब्बा है वो चटक जाता है तो वो एकदम सकरा डिब्बा होता है चौक, और वो एकदम से बेलन टाइप का हो जाता है, तो वही मोड़दार या वलित पर्वत कहलाते हैं। याद रखिएगा, जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा वलन पड़ जाते हैं तो वह कौन से पर्वत कहलाते हैं? मोड़दार या वलित पर्वत कहलाते हैं, उदाहरण हिमालय पर्वत या रॉकी पर्वत। अवरोधी पर्वत क्या होते हैं? अवरोधी पर्वत कौन से होते हैं? धरातलीय भागों में, जब धरातल का कोई भाग होता है, मतलब धरती का कोई भाग होता है, जब उसमें दरार पड़ जाती है या भ्रंश हो जाते हैं, तो धरातल का कुछ भाग क्या होता है, ऊपर उठ जाता है या कुछ भाग नीचे धंस जाता है। ऊंचे उठे भाग को हम कहते हैं ब्लॉक या अवरोधी पर्वत। ऊंचे उठे भाग क्या कहलाते हैं? ब्लॉक या अवरोधी पर्वत कहलाते हैं, उदाहरण सतपुड़ा ब्लैक फॉरेस्ट। अगला है गुंबदाकार फॉरेस्ट, आप चित्र में देख रहे होंगे, ज्वालामुखी के उभार तथा स्थल में उभार के कारण, ज्वालामुखी उभार हो जाए, ज्वालामुखी उद्गार हो जाए, तो उसके कारण जो पर्वत बनते हैं वो गुंबदाकार पर्वत कहलाते हैं। जैसे कि सिनसिनाती उभार, सिनसिनाती उभार कहाँ है? USA में। ये आपसे क्वेश्चन प्री में पूछ सकते हैं कि सिनसिनाती उभार कहाँ पर है? USA में है। या फ्यूजियामा जापान, वो भी गुंबदाकार पर्वत का उदाहरण है। अगला है संग्रहित पर्वत, तो निर्माण धरातल के ऊपरी मिट्टी, मलवा आदि के लगातार जमाव होने से संग्रहित पर्वत बनते हैं। किससे? धरातल के ऊपरी मिट्टी, मलवा आदि के लगातार जमा होने से संग्रहित पर्वत बनते हैं, उदाहरण रेनियार हुड और सास्ता USA का। कौन कौन सा? रेनियार हुड और सास्ता USA का। पर्वत निर्माण कार्य का घटनाओं को काल के आधार पर आपको बताना है। जैसे पर्वत युग कौन कौन सा होता है? हर्सिनियन युग, अल्पाइन युग, प्री कैम्बियन युग जो कि लॉरेसियन अल्गोबन पर्वत होते हैं, और कैलेडोनियन, ये अरिया अरावली महादेव। तो ये जो पर्वत होते हैं ये पर्वत युग में आ जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? अभी तो हमने ये पर्वत के प्रकार पढ़े, अगर आपसे पूछे काल के आधार पर कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो काल के आधार पर हर्सिनियन, प्री कैम्बियन, अल्पाइन, कैलेडोनियन काल के आधार पर होते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, ऐसे ही और क्वेश्चन। अब हमारा अभी आज मैंने ये करवा दिया था क्योंकि मैंने बोला था कि फर्स्ट डे हम पेपर फर्स्ट करेंगे। अब कल का जो मैंने शेड्यूल डिसाइड किया होगा कि कल आपका वेनसडे है, तो कल कौन सा दिन का कौन सा पेपर रहेगा, तो हम वही पेपर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये एम सीरीज़ रहेगी, इसकी प्ले लिस्ट में आपको इसके पूरे वीडियोज़ जो हैं वो मिलते जाएंगे। शाम को हम प्री का और MP पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।